नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूथन पर। दोस्तों इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले कि तीन बड़े फैसलों के साथ अगले हफ्ते खुलेगा सुप्रीम कोर्ट, तो इसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए चर्चा को शुरू करने से पहले रेड कलर के बटन पे क्लिक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो मिले आपको सबसे पहले। 15 दिन के शीतकालीन अवकाश के बाद अगले हफ्ते जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तो तीन बड़े फैसले आएंगे। पहला फैसला है, सरकार द्वारा सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के मामले में होगा। इस मामले में कोर्ट ने पिछले माह फैसला सुरक्षित रख लिया था। दूसरा फैसला है, सदी के सबसे बड़े विवाद राम जन्मभूमि विवाद पर सुनवाई 4 जनवरी को होगी और मुख्य न्यायाधीश की बेंच यह तय करेगी कि इस मामले में उचित बेंच के समक्ष सुनवाई कब से शुरू होगी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में 2010 से लंबित है। तीसरा फैसला, बिहार के 3 लाख से ज़्यादा नियोजित शिक्षकों से संबंधित है। ये शिक्षक नियमित शिक्षकों के बराबर वेतन मांग कर रहे हैं। पटना हाई कोर्ट ने इन्हें बराबर का वेतन देने का आदेश दे दिया था। फैसले के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट आई थी और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को सुरक्षित रख लिया है। उम्मीद किया जा रहा है कि जनवरी जो महीना होगा वो नियोजित शिक्षकों के लिए फैसले का महीना होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। इसको लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि सभी जानकारी मिल सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय शिक्षा, वंदे मातरम।